लगभग 800 सिविलियंस बच्चों के साथ मारे गए नाइट्रो की वजह से। माना कि ये पहला डैमेज नहीं था जो कि सुपर बैटल में था, लेकिन सबसे खतरनाक जरूर था और सबसे बुरा भी। सब लोग इससे घबरा चुके थे और मुझे इस पर इमिडिएटली एक्ट करना सही नहीं लगा। मैंने तब भी कुछ नहीं किया जब रॉजर्स गद्दार बन गया। मैं तब भी चुप ही रहा क्योंकि मैं चीजों को अपने नेचुरल तरीके से होने देना चाहता था। लेकिन इवेंचुअली एहसास भी था कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और अब पावर मेरे हाथ में थी, लेकिन इशू यह था कि इसे इस्तेमाल करना सही है या गलत। मैंने स्टोन को अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया सीक्रेट कंपार्टमेंट में अपने आर्मर में, इसी उम्मीद के साथ कि इसके साथ कभी रियलिटी चेंज करनी ना पड़े। लेकिन आखिरकार वो हुआ जो मैं देख नहीं सकता था। तब टोनी स्टार कहता है, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है बिल। तब बिल कहता है, और मुझे लगा था कि मैं बीमार पड़ा था। तब टोनी अपनी स्टोन को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब चेस्ट से बाहर निकलकर काम करने का वक्त आ चुका है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम लोगों को ये याद भी नहीं रहेगा क्योंकि ये हुआ ही नहीं होगा। और ये होगा 3 2 1, ये क्या, ये काम क्यों नहीं कर रहा? और तभी माइस्ट्रो आयरन मैन पर लैंड होते हुए कहता है, क्योंकि तुम रॉन्ग डायमेंशन में हो और तुम्हारा आर्मर भी रबिश है, लेकिन मेरे वाला काफी हद तक तुमसे बेहतर है। तुम्हें ये नहीं पता कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने होम डायमेंशन में ही काम करते हैं, और क्योंकि तुम दूसरे डायमेंशन में हो तो तुम्हारा ये लाइट शो अब और काम नहीं करने वाला, तो अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा। माइस्ट्रो आगे कहता है, तुम लोग सरप्राइज लग रहे हो या फिर मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया। जैसा कि प्रेसिडेंट स्टार्क ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और इतना कहकर वो पनिशर 2099, सिम्बियोट्स और रिक जोन्स सभी को बाहर ले आता है। और वो कहता है, गैलॉक्स, मुझे पता है कि तुम ये फाइट ज्वाइन करना चाहते थे, और ये भी कि सिम्बियोट्स और तुम लोग सभी मेरे खून के प्यासे बन चुके हो, तो अब तुम्हारा चांस है कि तुम मुझे मार सको। और बाहर आकर पनिशर 2099 कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें पनिशमेंट में बिलीव है, रेज है रिवेंज पर, लेकिन उस पियर ने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने रख दिया। तुम एक साइको हो, किक और घूसे चलाकर तुम लोगों को मारना चाहते हो लेकिन पनिशमेंट नहीं करना चाहते। तुम्हें दिखाऊंगा कि पनिशमेंट होती क्या है। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, उसकी खोपड़ी के आर पार एक बुलेट हो चुकी थी, और वो बुलेट ओरिजिनल पनिशर ने उसके खोपड़ी के आर पार की थी। ये देखकर माइस्ट्रो भी उस पनिशर को मार देता है और सभी को एक साथ चैलेंज करता है उसे मारने के लिए, और सभी उस पर टूट भी पड़ते हैं, लेकिन एक क्लैप के साथ वो उन सभी को ढेर कर देता है। रिक जोन्स वहीं पर उस चेयर पर था और वो कहता है, तुम गलत थे जोन्स, मैं बोर नहीं होने वाला तब तक जब तक मल्टीवर्स के ये खिलौने मेरे साथ खेलने के लिए है, और तुम एक परफेक्ट ऑडियंस हो टाइम के एंड तक। तब रिक जोन्स कहता है, तुम गलत हो माइस्ट्रो। तब उससे वो कहता है, क्या तुम्हें मैंने बनाया प्रोटोप्लाज्म से सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके। तब वो कहता है, लाइफ क्रिएट करना वो भी नथिंग से आइजोस्फीयर के भी बस की बात नहीं है, तुमने सिर्फ एक घर बनाया मेरी फ्लोइंग एनर्जी को एक बॉडी में डालने के लिए जब मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अपनी जगह से उठकर रिक जोन्स यानी कि स्टिक कहता है, और एनर्जी को मूव करना ही मेरा काम है, मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ खेल रहा था। ये सुनकर हल्क यानी कि माइस्ट्रो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे डॉज करते हुए स्टिक आगे कहता है, तुमने सिम्बियोट्स को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। और वो उन्हें एक करते हुए कहता है, माना कि सेंट्री की सोल वॉइड ने एब्जॉर्ब कर ली थी और वो सिम्बियोट के साथ मर्च हो चुका था, लेकिन अगर इन्हें एक साथ करके फिल्टर कर दिया जाए तो बाहर आएगा सेंट्री। और सेंट्री के बाहर आते ही फाइट में एक नई जान आ चुकी थी, और सारे कंटेस्टेंट्स के साथ सेंट्री माइस्ट्रो पर टूट पड़ा था। सभी लोग फाइट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन तभी स्टिक मेंटली कनेक्शन के साथ आउटलॉ को कहता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है और तुम्हें असली काम करना है, और तुम्हें असली काम करना है। मुझे पता था कि तुम ही इसके लायक हो जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से, और जब मैं कहूँ तब स्पीयर अपने कब्जे में ले लेना।